हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक मल्टीक्राफ्ट एटीआई। मैं एमडी इरफान अंसारी। आज मैं लिमिट फिट टॉलरेंस में आपको डेविएशन के बारे में बताऊंगा। तो कल ही हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, जो मैंने बताया था लिमिट के बारे में कल मैंने पढ़ाया था आपको। तो लिमिट क्या है, तो हम जानते हैं कि लिमिट क्या है, एक सीमा होता है। तो हम कोई जॉब बनाते हैं तो उसे एक्चुअल साइज में बनाना इम्पॉसिबल होता है। कोई भी अगर हमें साइज में दे दे कि कोई पार्ट्स है उसको, आप कोई प्लेट है उसको अब फिनिश करके 20 mm में बनाइए, तो जब हम उसको बनाएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसके साइज में या तो इंक्रीमेंट हो जाएगा या तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब या तो कुछ साइज बड़ी रह जाएगी या तो छोटी रह जाएगी। तो उसे एक्चुअल साइज में बनाना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेंज में बनाते हैं, मतलब लिमिट। हम लिमिट कहते हैं उसको, जब कोई जॉब को हम जॉब में अधिकतम छूट और न्यूनतम छूट देते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट कहते हैं। तो मतलब किसी जॉब को हम लोग क्या एक रेंज में बनाते हैं कि 0.20 या 0.05 0.02, क्या कहते हैं हम लोग एक छूट, मतलब एक लिमिट ले लेते हैं कि इतना इतना के रेंज में बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा रिजेक्शन कम हो जाता है, हमारा पार्ट्स का जो कॉस्ट है, जो अधिक मेहनत लगता है वो कम हो जाता है, हमारा मास प्रोडक्शन में हेल्प मिलता है। तो बहुत से कारण हैं, तो जो मैंने कल बताए थे, जो हमारे स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो लिमिट का वो पिछले कल का वीडियो हमारे YouTube के प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेविएशन के बारे में। तो डेविएशन क्या है, तो डेविएशन ये एक तरह का विचलन, जिसको हिंदी में कहते हैं विचलन, ठीक है। विचलन मतलब कोई चीज़ का झुकाव, कि वो मतलब बेसिक साइज से ऊपर कितना है, बेसिक साइज से नीचे कितना है, तो वही चीज़ के बारे में बताया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पार्ट्स के बेसिक साइज, तो बेसिक साइज के बारे में कल हमने बताया था आपको कि बेसिक साइज हम उसे कहते हैं जब किसी मैन्युफैक्चरर को, जो पार्ट्स बनाता है, जो जॉब बनाता है, उसे हम जब ड्राइंग पे लिख के देते हैं कि कोई पार्ट चाहिए हमें, जो कोई स्टील का बोल चाहिए जिसका डायमीटर 20 mm है, हमें ये बोल चाहिए इतना इतना अमाउंट में, तो वो जब हम उसको ड्राइंग में देते हैं वही साइज हमारा क्या कहलाता है, जो ड्राइंग पे लिख के दे रहे हमारा बेसिक साइज कहलाता है, ठीक है। अब वही साइज, वही चीज़ अगर मैन्युफैक्चरर वो पार्ट्स बनाता है, बनाने के बाद जब उस पार्ट्स को या स्टील को बोल के मेजर करता है, मेजर करने के बाद वो पाता है कि 20 mm से कुछ ज़्यादा हो गया, 20 mm से कुछ कम हो गया, तो जो उसको बनाने के बाद जो साइज उसको मेजर करता है, तो मेजर करने के बाद जो उसको साइज प्राप्त होता है उसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में बन के आया, जो एक्चुअल में बनाया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्चुअल साइज कहेंगे। तो वही बोल रहा है, किसी पार्ट्स के बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज के अंतर को क्या कहेंगे, हम डेविएशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डेविएशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि बेसिक साइज तथा एक्चुअल साइज, मतलब कोई पार्ट से जो ड्राइंग में दिए हैं वो बेसिक साइज हो गया, और जो मैन्युफैक्चर जो पार्ट्स बनाया है वो बनाने के बाद जो उसको मेजर किया, जो उसको साइज मिला है, उसे क्या कहेंगे, उसे एक्चुअल साइज कहते हैं, ठीक है। तो उसी के अंतर को, बेसिक साइज और एक्चुअल साइज के अंतर को हम लोग कहते हैं डेविएशन कहते हैं, ठीक है। या दो प्रकार के होते हैं, पहला अपर डेविएशन, दूसरा लोअर डेविएशन, ठीक है। तो हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं कि बेसिक, हमने कल बताया था आपको बेसिक साइज, तो हम डायग्राम से पहले समझ लेते हैं कि लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन है क्या, ठीक है। देखिए, तो कल हमने आपको बताया था कि ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये जीरो लाइन है। कौन सा लाइन है, जीरो लाइन, ठीक है, ये जीरो लाइन है, ठीक है। अब देखिए, ये जो पार्ट्स है, ये वाला पार्ट जो है ये होल है, ठीक है। और ये वाला जो येलो वाला पार्ट दिखा दे रहा है, ये है आपका शाफ्ट, मतलब कोई होल में शाफ्ट क्या है, फिट है, ठीक है। तो ये जीरो लाइन किसको शो करता है, बेसिक लाइन को शो करता है, ठीक है। बेसिक साइज मतलब ये होल का शाफ्ट का बेसिक साइज, जो बेसिक साइज इसका था ड्राइंग में, ठीक है, वो बेसिक साइज को शो कर रहा है। अब देखिए शाफ्ट जहाँ पर है, शाफ्ट है तो शाफ्ट के ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक की दूरी को मैक्सिमम डायमीटर कहते हैं या बाहरी व्यास कहते हैं। अब और इसके नीचे वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी को क्या कहेंगे, मिनिमम डायमीटर कहते हैं या निम्न व्यास कहेंगे, ठीक है। समझ लेते हो पहले दोनों का, फिर अब होल में आते हैं। होल का भी वही केस आता है इसमें भी, कि इसके ऊपरी पार्ट, मतलब जो होल का ऊपरी पार्ट से लेकर नीचे वाले पार्ट्स को कि बीच की दूरी क्या कहेंगे, मैक्सिमम डायमीटर कहेंगे, और उसके जस्ट नीचे वाले को, नीचे वाले से लेके और इसके नीचे वाले तक के बीच की दूरी को मिनिमम डायमीटर कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं फिर शाफ्ट में। देखिए, एक एक करके मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है।
ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम डायमीटर क्लियर हो गया, बेसिक साइज भी क्लियर हो गया। जो हम ड्राइंग में जो एक्चुअल साइज, जो बेसिक साइज जो ड्राइंग में देते हैं, वही साइज किसको शो करता है? जीरो लाइन बेसिक साइज को शो करता है। ठीक है, अब आते हैं लोअर डिवीजन। देखिए लोअर डिवीजन क्या है, जो लोअर डिवीजन है ना, वो जीरो लाइन से लेके बीच की दूरी, लोअर बात कर रहा था, जरूरी सी बात है कि लोअर वाला बात कर रहा, तो लोअर का बात कर रहा है, तो जीरो लाइन से बीच की दूरी और लोअर, तो लोअर इसमें मैक्सिमम डायमीटर बड़ा है कि ई, बड़ा कि मिनिमम, मिनिमम डायमीटर, तो मैक्सिमम डायमीटर बड़ा है, लोअर कौन है छोटा, मिनिमम डायमीटर है, तो यहाँ से मिनिमम डायमीटर से बीच की दूरी और जीरो लाइन के, और जीरो लाइन के बीच की दूरी, देखिए ये वाला यहाँ से लेके बीच की दूरी और यहाँ से लेके बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं लोअर डिवीजन, समझे? मतलब यहाँ से ये शाफ्ट के न्यूनतम साइज, जो मिनिमम डायमीटर के साइज जो है, वहाँ से लेके दूरी और जीरो लाइन के बीच की दूरी, जीरो लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? लोअर डिवीजन कहते हैं। अपर डिवीजन कैसे कहते हैं? देखिए शाफ्ट के जो बाहरी व्यास है उसके बीच की दूरी और जीरो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग अपर डिवीजन कहते हैं। मतलब क्या ये दिखा रहा ना कि मतलब बेसिक साइज से कितना ऊपर कितना नीचे है, मतलब डिवीजन कितना झुका है ऊपर, ये जीरो लाइन से कितना ये झुका है, जीरो लाइन से ये मिनिमम डायमीटर कितना झुका है, तो वही चीज़ उसी को क्या बोलते हैं, जो मिनिमम डायमीटर से जीरो लाइन के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं लोअर डिवीजन, और मैक्सिमम डायमीटर से बीच की दूरी को और जीरो लाइन के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अपर डिवीजन कहते हैं, है ना? वही केस इसमें भी होता है। देखिए इसमें क्या होता है, ये होल है, तो होल के ऊपरी पार्ट्स, होल के ऊपरी पार्ट्स ये हो गया, और इसका इसका बेसिक लाइन कौन हो गया, होल का ये वाला बेसिक लाइन हो गया, देखिए है ना, बेसिक साइज शो कर रहा है ना, इसका भी बेसिक साइज यही हो जाएगा, इसका भी बेसिक साइज यही हो जाएगा, तो ये जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन से बीच की दूरी, और अगर हम अपर डिवीजन की बात करें तो शाफ्ट के ऊपरी ये बाहरी व्यास के बीच की दूरी क्या कहेंगे? अपर डिवीजन कहेंगे। अगर हम लोअर डिवीजन की बात करें तो ये जीरो लाइन के बीच की दूरी, मतलब जीरो लाइन के बीच की दूरी ये एरो है, और होल के न्यूनतम मतलब मिनिमम डायमीटर के बीच की दूरी क्या कहेंगे? लोअर डिवीजन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है कि मैक्सिमम डायमीटर और मिनिमम डायमीटर के बीच की दूरी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। कोई भी साइज फिट होता है तो उसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है, गैप होता है, तो उसी को कितना गैप है, कितना अंतर है, तो उसी को हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम टॉलरेंस के बारे में पढ़ेंगे आगे, उसके और क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल अभी हम चलते हैं अपर डिवीजन की तरफ और अच्छे से समझने के लिए। देखिए अपर डिवीजन क्या बोलता है, वही जो चीज़ मैंने समझाया वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। होल अथवा शाफ्ट के अधिकतम साइज, देखिए अभी अपर डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो अधिकतम साइज किसका? पार्ट का। होल अथवा शाफ्ट के अधिकतम साइज, तो मान लीजिए आप शाफ्ट ले लीजिए या होल ले लीजिए, तो मान लीजिए मैं होल ले रहा हूँ। ठीक है, तो होल का अधिकतम साइज कौन, ये वाला है, मैक्सिमम डायमीटर में लिख दिया, मैक्सिमम डायमीटर ही है, तो इसका ये होल अथवा शाफ्ट के अधिकतम साइज तथा बेसिक साइज, बेसिक साइज कौन है, ये वाला, ये बेसिक साइज है ना, ये वाला जिसको जीरो लाइन कह रहे हैं हम लोग, तो इसके बीच की दूरी, बेसिक साइज के अंतर को, तो अंतर क्या है, दूरी, बीच की दूरी, तो ये इसके देखिए ये वाला हो गया, ये यहाँ पे आ जाइए, ये वाला लाइन हो गया, और ये लाइन हो गया। ठीक है, ये यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यहाँ पर, देखिए यहाँ से लेके यहाँ से कि बीच की दूरी क्या अपर डिवीजन कहेंगे, मतलब ये जीरो लाइन हो गया, ये कौन सा लाइन हो गया, ये मैक्सिमम डायमीटर का लाइन हो गया, देखिए है ना, ये मैक्सिमम डायमीटर का लाइन, तो इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे हम लोग, अपर डिवीजन कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही है, उसे इंग्लिश में अपर डिवीजन और हिंदी में उच्च उच्चलन कहते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सर एग्जाम्पल क्या है, किसका, ये अपर डिवीजन का है। ठीक है, ये अपर डिवीजन का है, तो इसका क्या है, मान लीजिए कोई पार्ट्स है, ठीक है, उसका साइज कितना प्लस ये 50 है, और इसको हम कितना हम डिवीजन दे रहे हैं, या मान लीजिए इसको कितना लिमिट दे रहे हैं, 0.08, और नीचे कितना दे रहे हैं, 0.04, तो अपर डिवीजन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, या अपर डिवीजन निकालेंगे, फार्मूला होता है इसका, अपर डिवीजन बराबर फार्मूला होता है, एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपर डिवीजन, ठीक है, किससे बात कर रहे थे, अपर डिवीजन। अपर डिवीजन में क्या है कि मान लीजिए ये एक साइज दे दिया आपको कोई पार्ट्स का, ये क्या है, ये हमारा बेसिक साइज है, कौन सा साइज है, बेसिक साइज है, याद रखिएगा, जो 50 है वो कौन सा साइज है, ये बेसिक साइज है 50। ठीक है,
ये जो दे दिया, ये लिमिट दे दिया है कि कोई पार्ट से, मान लीजिए कोई बोल दिया है ठीक है, या कोई शाफ्ट दिया है कि आप एक रड बनाइए जिसका डायमीटर कितना है 50 mm होना चाहिए, कितना होना चाहिए इसका डायमीटर, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए ठीक है, तो कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, तो उसका लिमिट दे दिया है, कितना लिमिट होना चाहिए, लिमिट आपका होना चाहिए, अपर लिमिट कितना दे दिया है 0.08, और लोअर लिमिट कितना दे दिया है, अपर इतना दे दिया है, और लोअर 0.04। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपर, तो अपर का हम देखेंगे ठीक है, अभी तो अपर दे दिया था, मतलब ये जो साइज हो गया हमारा कौन सा साइज हो गया, हमारा ड्राइंग वाला साइज जो ड्राइंग में दिया है 50 ठीक है, बेसिक 50 हो गया बेसिक साइज हमारा, और ये हो गया लिमिट, अपर लिमिट हो गया कितना दिया है 0.08, मतलब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 50 में मैक्सिमम साइज क्या आ जाएगा हमारा, जब जोड़ेंगे तो मैक्सिमम साइज क्या आ जाएगा 50.8 हो जाएगा। तो कहने मतलब 50.8 से उसको ज़्यादा नहीं बनाना है, 50.8 से कम बना ले तो सही है, उससे ज़्यादा नहीं जाना है। तो अपर डिवीजन का मतलब ये होता है कि इसका फार्मूला होता है अपर डिवीजन बराबर होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज ठीक है। तो अपर डिवीजन मतलब उसको हम जो बना रहे हैं उसको कितना अपर डिवीजन दिए, उसको कितना छूट देना है ऊपर, अपर डिवीजन कितना उसको छोड़ना है, कितना छूट देना है। तो अपर डिवीजन निकालने के लिए फार्मूला होता है कि मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो मैक्सिमम साइज कब होगा, बेसिक साइज तो मालूम है हमको, बेसिक साइज कितना है हमारा, बेसिक साइज हम लिख लेते हैं यहाँ पे, बेसिक साइज हमारा कितना है 50 mm है ठीक है, और लिमिट और बेसिक साइज हमारा कितना है 50 mm है। तो मैक्सिमम साइज, इसका मैक्सिमम साइज कैसे निकलेगा, मैक्सिमम साइज निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 में जो अपर डिवीजन है कितना लिमिट कितना दिया, अपर लिमिट ये 0.08, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे यहाँ पर जोड़े, देखिए मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज निकाल लें यहाँ पे, मैक्सिमम साइज में क्या किया 0.08, क्या अभी अपर का बात कर रहे हैं इसलिए हम क्या किया ऊपर वाला इसमें जोड़ दिए हैं 0.08, तो 0.08 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50.08 हो जाएगा, इतना mm हो जाएगा हमारा ठीक है। अब बेसिक साइज तुमको मालूम है कि बेसिक साइज हमारा कौन है 50 mm है, तो क्या करेंगे अपर डिवीजन निकालने के लिए हम जानते हैं कि फार्मूला मैक्सिमम साइज, आप किसी का भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शाफ्ट का भी निकाल सकते हैं और होल का भी, दोनों में से आप किसी का भी निकाल सकते हैं ठीक है। तो इसलिए हम कुछ ने खाली लिखे मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज दोनों का, चाहे शाफ्ट का चाहे होल का ठीक है। तो जो जिसका आप निकालना चाहेंगे वहाँ पर आप मैक्सिमम साइज वहाँ पर उसको लिख लेंगे वहाँ पर ठीक है। तो हम मान लीजिए निकाल रहे हैं होल का, किसका निकाल रहे हैं होल का निकाल रहे हैं ठीक है, लिख लेते हैं अपर डिवीजन किसका होल का निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं होल का ठीक है। तो होल का निकाल रहे तो अपर डिवीजन होल मतलब होल क्या हो जाएगा मैक्सिमम साइज, तो मैक्सिमम साइज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम साइज दिया हुआ है होल कितना 50 mm, और उसका अपर डिवीजन कितना दिया हुआ ऊपर में, जो ऊपर में तो उसको अपर डिवीजन, जो नीचे रहता है उसको लोअर डिवीजन कहते हैं ठीक है। तो अपर डिवीजन हमारा दिया हुआ है, अपर डिवीजन जो हमारा है निकालने के लिए ये लिमिट कितना दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 0.08, और लोअर लिमिट नीचे जो है कितना दिया हुआ है 0.04। तो अभी अपर डिवीजन निकाल रहे हैं इसलिए अपर लिमिट को हम लेंगे ठीक है। तो क्या किया इसमें हम बेसिक साइज प्लस लिमिट को जोड़ दिए, कितना आ गया हमारा 50 प्लस 0.08 को जोड़ दिए 50.08 आ गया। अब अपर डिवीजन निकालने के लिए फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, निकालने दे देगा क्या अपर डिवीजन बताइए, आपका बेसिक साइज इतना है, ऐसे लिखा हुआ रहेगा आपका बेसिक साइज इतना है तो उसका अपर डिवीजन क्या होगा। तो अपर डिवीजन में पहले क्या करेंगे, आप बेसिक साइज में ये लिमिट को ऊपर वाला लिमिट को जोड़ देंगे, तो लिमिट को जोड़ देने के बाद कितना आएगा, इतना आ जाएगा, फिर फार्मूला में बैठा देंगे मैक्सिमम, हम जानते हैं कि अपर डिवीजन बराबर होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो मैक्सिमम साइज हमारा कितना है, मैक्सिमम साइज हमारा हो गया इतना हो गया 50.08, तो यहाँ बैठा देंगे 50.08 ठीक है, माइनस बेसिक साइज कितना है 50, कितना हो गया 50, अब घटा देंगे कितना आएगा 0.08 mm, मतलब अपर डिवीजन कितना है 0.08 है, मतलब कि जो यहाँ से जीरो लाइन से और अपर डिवीजन से बीच की दूरी कितना है, अपर डिवीजन कितना है बेसिक लाइन से कितना है अपर डिवीजन, वो 0.08 है ठीक है, कितना है 0.08 है ठीक है। तो हमारा कितना निकल गया अपर डिवीजन 0.08 आ गया। तो समझ में आया, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ आपको कि आपको कोई एग्जाम्पल दिया रहेगा 50 प्लस 0.08, या नीचे में रहेगा 0.04, क्या रहेगा 0.04। तो अपर डिवीजन अगर निकालना हो तो ऊपर वाला लिमिट लेंगे, किसका लेंगे ऊपर वाला, तो
ऊपर वाला ले ऊपर वाला लेंगे जब अपर डिवीजन का निकाल रहे हैं तो हम जानते हैं कि अपर डिवीजन बराबर फार्मूला होता है मैक्सिमम चार्ज माइनस बेसिक चार्ज। हम मैक्सिमम चार्ज क्यों जोड़ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अपर डिवीजन बराबर होता है मैक्सिमम चार्ज माइनस बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज तो हमको मालूम है कितना होता है, बेसिक चार्ज हमको 50 दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम चार्ज दिया हुआ नहीं है तो उसको निकालना पड़ता है। कैसे, तो मैक्सिमम चार्ज लिख के बेसिक चार्ज में क्या करेंगे, ऊपर वाला लिमिट को जोड़ देंगे, ठीक है, जितना लिमिट रहेगा वो अपर लिमिट जोड़ देंगे उसको, ठीक है, क्या करेंगे उसको, यहाँ पे लिख लीजिए अपर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे। अपर लिमिट कितना है, 0.08 है, तो 0.08 जोड़ दिए उसमें, तो जोड़ने के बाद कितना आ गया, 50.08 mm आ गया। तो अब जोड़ देने के बाद हमारा निकल गया मैक्सिमम साइज। तो अब आप क्या करेंगे, आप फार्मूला में पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं कि अपर डिवीजन बराबर होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो मैक्सिमम साइज कितना है हमारा, पॉइंट इतना आ गया 50.08 माइनस बेसिक साइज कितना है हमारा 50 है, यहाँ लिख लिया इसको, इसी को हम लोग बेसिक साइज बोल रहे हैं। घटा देंगे कितना आएगा, 0.08 mm आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा अपर डिवीजन, क्या हो जाएगा अपर डिवीजन। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा अपर डिवीजन निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं लोअर डिवीजन की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट अब आते हैं लोअर डिवीजन, कि लोअर डिवीजन में क्या होता है। तो लोअर डिवीजन जैसा कि हमने बताया था इससे पहले, जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न विचलन, और इसका डिफिनेशन हो जाता है कि होल अथवा शाफ्ट के मिनिमम साइज तथा बेसिक साइज के अंतर को क्या कहते हैं, लोअर डिवीजन कहते हैं। तो होल अथवा या शाफ्ट, मान लीजिए अभी हम मान लीजिए शाफ्ट का ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं शाफ्ट का, या होली का ले लेते हैं। तो होल का आप क्या बोल रहे हैं, मिनिमम साइज। होल का मिनिमम साइज कौन है, ये वाला है मिनिमम डायमीटर। मिनिमम डायमीटर ये हो गया, तो ये यहाँ पे आइए, ठीक है, कहाँ पे आइए, यहाँ पे, ये मिनिमम डायमीटर का लाइन है, इसके बीच की दूरी और ये जीरो लाइन का नीचे वाला, तो इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे हम लोग, देखिए वही बोल रहा है मिनिमम साइज तथा बेसिक साइज। तो बेसिक साइज कौन सा, ये जीरो लाइन क्या है, इसी को बेसिक साइज को शो कर रहा, देखिए लिखा है बेसिक साइज, ठीक है। तो जीरो लाइन जो है बेसिक साइज को शो कर रहा है, और ये हमारा मिनिमम डायमीटर है, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, लोअर डिवीजन, क्या कहेंगे, लोअर डिवीजन, ठीक है, क्या कहेंगे, लोअर डिवीजन कहेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कि इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं एग्जाम में, कि अभी मैंने बताया था कि अपर डिवीजन निकालने के लिए बोले क्या करेंगे, तो उसको बेसिक साइज में जो हमने लिख दिया, बेसिक साइज हमारा कितना हो गया 50 हो गया, तो और जो अपर लिमिट जो लिया रहता है उसको क्या करते हैं, उसमें मैक्सिमम साइज निकालने के लिए अपर डिवीजन निकालने के लिए मैक्सिमम लिमिट को जोड़ देते थे। अभी हमको निकालना है मिनिमम लिमिट निकालना है, मतलब लोअर डिवीजन निकालना है। तो लोअर डिवीजन का फार्मूला होता है मिनिमम साइज माइनस बेसिक साइज। वहाँ पे मैक्सिमम साइज था, यहाँ पे मिनिमम साइज, क्यों, क्योंकि लोअर डिवीजन निकाल रहे हैं इसलिए मिनिमम साइज ले रहे हैं। जब अपर डिवीजन निकालेंगे तो मैक्सिमम साइज लेंगे या मैक्सिमम डायमीटर लेंगे, ठीक है। तो लोअर डिवीजन निकाल रहे हैं तो हम कौन सा साइज लेंगे, मिनिमम साइज लेंगे, माइनस मिनिमम साइज में हम बेसिक साइज निकाल देंगे तो हमारा लोअर डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बेसिक साइज तो हमारे पास है लेकिन मिनिमम साइज नहीं है, तो मिनिमम साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मिनिमम साइज निकालने के लिए हम बेसिक साइज में जो लोअर लिमिट है कितना 0.04, तो 0.04 जोड़ देने कितना 50.04 आ गया, ठीक है, 50.04 आ गया, इतना एमएम आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हम जानते हैं लोअर डिवीजन बराबर क्या होता है, मिनिमम साइज कितना है, मिनिमम साइज हमारा है 50.04 आ गया, माइनस बेसिक साइज कितना है, इतना है, और मिनिमम साइज इतना है, तो बेसिक साइज कितना 50 है, सो घटाएंगे कितना आएगा 0.04, मतलब लोअर डिवीजन कितना आ गया 0.04 mm, ठीक है, मतलब जो लोअर डिवीजन है यहाँ से कितना एमएम है, यहाँ से लेके कितना एमएम है, वो 0.04 mm है, ठीक है। तो मतलब कहने मतलब जीरो लाइन से जो हम मिनिमम साइज बनाए हैं उसको कितना झुकाव दिए हैं, वो दिए हैं कितना 0.04 विचलन दिए हैं, कितना डिवीजन दिए हैं 0.04 दिए हैं, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लेके आपको समझाया था। तो एक चीज़ आप नोट्स करेंगे कि अगर मैं लिखा दे रहा हूँ, एक मिनट, जो इसको उतारना चाहते हैं वो उसको उतार सकते हैं, ठीक है, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट हमारे पास कुछ नोट है,
मतलब नोट में लिखाना चाहता हूँ कि होल के अपर डिविएशन को, मतलब होल की जो अपर डिविएशन है, ये क्या है, ये होल है, ये होल का पार्ट से, ये क्या है, पूरा होल का पार्ट से। तो होल के अपर डिविएशन को दिखाने के लिए हम ड्राइंग में या कहीं भी हम लोग लिखते हैं किससे, ई एस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई एस, ठीक है, कैपिटल ई और स्मॉल एस लिखते हैं, ठीक है, किसको, होल के, होल के अपर पार्ट को, अपर डिविएशन को दिखाने के लिए। अपर डिविएशन कहीं दिखाना है, मान लीजिए हमें ड्राइंग पे दिखाना है, या लिख दिया कि अपर डिविएशन का पार्ट, मान लीजिए बोल देगा कि ये जो है 50.02 ES, तो समझ जाएगा किसका है, ये होल का साइज दिया हुआ, ठीक है, ना कि शाफ्ट का। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कहीं ड्राइंग में या कोई और चीज़ में, अगर यहाँ पे अपर डिविजन ना लिख, ये अपर डिविजन लिखा रहे, होल ना लिखा रहे, तो समझ जाइएगा ई एस अगर लिखा रहेगा, समझ लीजिएगा कि वो किसका बात कर रहा है, होल का बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाफ्ट के अपर डिविजन, अब शाफ्ट के अपर डिविजन कौन है, शाफ्ट के अपर डिविजन देखिए, ये अपर, ये वाला हो, ये अपर पार्ट हो, मतलब इसका मैक्सिमम डायमीटर हो गया, और इसका बेसिक साइज कौन, ये वाला, तो यहाँ से बीच की दूरी, देखिए मैक्सिमम डायमीटर हो गया, यहाँ से बीच की दूरी अपर डिविजन। तो इसके ये वाला पार्ट्स को दिखाने के लिए किसका, शाफ्ट का, तो उसको हम लोग दिखाते हैं स्मॉल ई या स्मॉल एस से दिखाते हैं। तो मान लीजिए कहीं भी अगर 50 रहा, प्लस 0.02 रहा और ई एस लिखा रहा, तो क्या समझेंगे कि वो किसका पार्ट दिया हुआ, किसका साइज दिया हुआ, वो शाफ्ट का साइज दिया हुआ, क्योंकि ई एस से हम किसको दिखाते हैं, ई एस से दिखाते हैं हम शाफ्ट को दिखाते हैं, किससे, शाफ्ट के अपर डिविजन को, ठीक है, ई एस से। अगर ई एस दिया रहेगा तो मतलब शाफ्ट का ये अपर डिविजन का बात कर रहा है। अगर ई एस कैपिटल ई स्मॉल एस रहा, कैपिटल ई मतलब बड़ा ई छोटा एस रहा, तो किसका बात कर रहा, होल के अपर डिविजन का बात कर रहा, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे कि होल पे आ रहे हैं, होल के लोअर डिविजन, होल का लोअर डिविजन कौन है, होल का लोअर डिविजन ये वाला है, मतलब इसके मिनिमम साइज किसका, होल का, और बेसिक साइज के बीच की दूरी का। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को लोअर डिविजन कहते हैं। तब उसी को दिखाने के लिए हम लोग ई आई, क्या, होल को दिखाने के लिए हम कैपिटल ई का यूज़ करेंगे हमेशा, कैपिटल, ठीक है, एक कैपिटल लगाएगा, एक बड़ा एक छोटा रहेगा, जबकि शाफ्ट में दोनों छोटा रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ई एस का मतलब होता है अपर डिविजन और ई आई का मतलब होता है लोअर डिविजन। तो लोअर डिविजन का बात कर रहा है, तो हम होल के लोअर डिविजन को दिखाने के लिए ई आई लिखते हैं और शाफ्ट के लोअर डिविजन को दिखाने के लिए ई आई लिखते हैं, स्मॉल ई स्मॉल आई लिखते हैं, ठीक है। शाफ्ट के ई आई लोअर डिविजन को दिखाने के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ई आई से दिखाते हैं, ठीक है, जबकि होल के लोअर डिविजन को दिखाने के लिए हम लोग ई आई लिखते हैं, कैपिटल ई स्मॉल आई, ठीक है। तो कोई भी पार्ट्स के आगे या पीछे लिखा रहेगा, कोई साइज दिया हुआ रहेगा और लिखा हुआ रहेगा ई आई, तो समझ लीजिएगा कि लोअर डिविजन का बात कर रहा है, किसके केस में, होल के केस में बात कर रहा है। अगर मान लीजिए यही रहेगा, ई एस रहेगा, स्मॉल ई स्मॉल एस रहेगा, तो समझ जाइए किसका बात कर रहा है, ये शाफ्ट का बात कर रहा है, किसके बारे में, लोअर डिविजन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आपको ये डिविजन आज समझ में आया होगा, ठीक है। तो इससे बेसिस जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं करा दे रहा हूँ, वो आप घर में रिविजन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने अब तक जो कंप्लीट कराए हैं, जो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो किसी पार्ट के एक्चुअल साइज तथा बेसिक साइज के अंतर को क्या कहते हैं, किसी साइज के एक्चुअल साइज कौन हमारा हो गया, मैक्सिमम या मिनिमम डायमीटर, क्या एक्चुअल साइज हो गया हमारा, और बेसिक साइज कौन हो गया, जो हमने ड्राइंग पे बनने दिया था कि हमें इतना साइज चाहिए, लेकिन बनने के बाद क्या आ गया, मैक्सिमम या मिनिमम आ गया। तो ये दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, डिविजन कहते हैं। क्या कहते हैं, पढ़ाया था अभी जस्ट, क्या कहते हैं, डिविजन कहते हैं। तो डिविजन कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि किसी पार्ट्स का साइज 28.08 है और नीचे -0.04 है दिया जाता है, तो उसका उच्च विचलन क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि उच्च विचलन मतलब अपर डिविजन का बताया था ना, अपर डिविजन बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो बेसिक साइज हमारा कौन सा हो जाएगा, जो हमारा दिया हो बेसिक साइज हमारा ये हो जाएगा, ये 28 क्या हो जाएगा, बेसिक साइज हो जाएगा। तो हम क्या, 28 तो मेरा बेसिक साइज दिया हुआ, लेकिन मैक्सिमम साइज तो दिया हुआ नहीं है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको निकालने के लिए, तो 28 बेसिक साइज है, तो मैक्सिमम साइज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम साइज बराबर होता है बेसिक साइज प्लस अपर लिमिट कितना दिया हुआ ऊपर में,
अपर लिमिट कितना दिया हुआ है? बेसिक साइज हमारा 28.8 है और अपर कितना दिया हुआ है? 0.08 दिया हुआ है ना, 0.08 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28.08 आ जाएगा। तो मैक्सिमम साइज हमारा कितना निकल गया? 28.08 आ गया। अब बेसिक साइज हमारा कितना है? 28 है, तो 28 यहाँ घटा दीजिए। 28.08 में 28 घटाएंगे कितना आएगा? 0.08 ही आएगा। तो कहाँ 0.08? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि क्या करना है? जब भी कोई पार्ट्स का उच्च विचलन पूछे या निम्न विचलन पूछे, तो जो बेसिक साइज है, अगर निम्न विचलन पूछेगा तो क्या करेंगे? अगर माइनस रहेगा तो उसमें घटा देंगे, अगर प्लस रहेगा तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करेंगे? जो हमारा आएगा नीचे वाला, अगर इसमें जोड़ देंगे बेसिक साइज में नीचे वाला लिमिट, तो वो निकल जाएगा हमारा लोअर लिमिट। अगर ऊपर वाला लिमिट बेसिक साइज में जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? मैक्सिमम साइज निकल जाएगा। ठीक है, जब 28 में बेसिक साइज में जब नीचे वाला लिमिट जोड़ देंगे तो वो हमारा निकल जाएगा लोअर डिविएशन। जब बेसिक साइज में ऊपर वाला जोड़ देंगे, मतलब अपर लिमिट जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा? वो निकल जाएगा मैक्सिमम साइज। तो हम लोअर, ये किसका बात कर रहा है? अपर डिविएशन, उच्च विचलन मतलब अपर डिविएशन। तो अपर डिविएशन बराबर फार्मूला होता है मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो बेसिक साइज तो मालूम चल गया, यहाँ पे 28 है, लेकिन मैक्सिमम साइज मालूम नहीं था। तो क्या किए? मैक्सिमम साइज निकालने के लिए फार्मूला होता है, मैक्सिमम साइज बराबर होता है बेसिक साइज प्लस अपर लिमिट। तो मैक्सिमम साइज ये है, इसमें 0.08 अपर, ये क्या है? अपर लिमिट है, इसमें से ये जोड़ देंगे। तो जोड़ देने के बाद कितना आया? 28.08 आ गया। यहाँ पे 28.08 आ गया, सॉरी कहाँ पे आया था, इसको जोड़ो तो कितना, यहाँ 28.08 आ जाएगा ना, इतना आ गया था। तो आप फार्मूला होता है अपर डिविजन का, क्या? मैक्सिमम साइज माइनस बेसिक साइज। तो अपर मैक्सिमम साइज कितना है? इतना है, और बेसिक साइज कितना? 28 है। तो इसमें से घटा दिए कितना आया? घटा देंगे कितना आ जाएगा? 0.08 आ जाएगा। ठीक है, तो 0.08 हमारा सी में राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि 50 प्लस माइनस 50 के ऊपर लिमिट दिया हुआ। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लिमिट दिया हुआ है प्लस माइनस 0.05, मतलब 50 ऊपर लेंगे, 0.05 अगर अपर लिमिट ले रहे हैं, अपर डिविजन लेंगे तो क्या करेंगे? 0.5 जोड़ेंगे, लोअर डिविजन लेंगे तो 0.5 क्या करेंगे? 50 में घटाएंगे। ठीक है, तो हम अभी कुछ उसमें कुछ वैसा नहीं बोल रहा, ये बोल रहा कि 50 प्लस माइनस 0.5 का बेसिक साइज क्या होगा, बेसिक साइज पूछ रहा। तो बेसिक साइज का मतलब क्या? ये 50 क्या हमारा बेसिक साइज हो गया। तो 50 क्या ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जहाँ भी कन्फ्यूजन हो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो समझने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करें, वहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू, वेलकम।